बताइए, महिलाओं की सेफ्टी के लिए बात की जाती है, महिलाओं के लिए तमाम बातें अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आते हैं, आज जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो है वो क्यों वकीलों में दिया जा रहा है 25-25 करोड़? मैम, पहले तो मैं दिल्ली की जनताओं को यही कहना चाहती हूँ, सबसे बड़ी बात, बीजेपी से बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं है। और जो अरविंद केजरीवाल ने कदम उठाया है, इसमें कोई तो राज है ना, सबकी मिली भगाता है। ये गाड़ी कमाई जो जनता की खाई जा रही है, जनता पागल नहीं है, जनता मिलकर जवाब देगी अरविंद केजरीवाल को। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, ज़्यादा नहीं, लेकिन यही कहूँगी कि जनता अब भी जाग जाए और मिलकर इस जो हो रहा है ना, अंदर ही अंदर खिचड़ी पकाई जा रही है, इसको लड़ना है, हमें चुप नहीं बैठना है, यही टाइम है, हमें विरोध करना है मिलकर। घोटाले को लेकर वकीलों को 25-25 करोड़ रुपए की फीस दी जा रही है, क्या किस तरीके से? वो ठीक नहीं है, शराब घोटाले के लिए अगर 25 करोड़ दिया जा रहा है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये हमारे परिवार, हाँ, दारू ठेके को लेके नुकसान करता है और जो है बहुत से लोग, बहुत से घरों को बर्बाद करता है। चोर है, देखो आम आदमी पार्टी चोर है, वो तो घोटाला शुरू से ही कर रही है और करती आ रही है, उन्होंने करना ही यही काम है। बेशर्मी की हद पार कर रखी है उन लोगों ने, एक महिला हमारे कार्यकर्ता का ब्लाउज फाड़ दिया, ये कितनी घटिया बात है, ये कुछ उसके बारे कुछ नहीं, इनकी सोच इतनी इतनी सी रह गई है, छोटी सी, ये कुछ नहीं, इनको तो जनता को जागरूक होना चाहिए, जनता को जागना चाहिए, जनता क्यों इनको वोट देती है, किस लिए वोट देती है, अपने बच्चों की लाइफ खराब करने के लिए, 21 साल के बच्चों को दारू पीने लगा दिया, करोड़ करोड़ रुपया तो देंगे ही वकीलों को ये लोग, देंगे ना, फ्री फ्री के चक्कर में फंस के अपने बच्चों के लाइफ के में अपंग बना रहे हैं, ये नव युवक को अपंग बना रहे हैं, ये बस बिजली पानी ये जो है ये सब नव युवक को अपंग बनाने के लिए, कि वो कुछ करे ना, सब फ्री में मिलेगा, लोग आराम से घर में रहेंगे, कि ज़्यादा खर्चा है नहीं भाई, ना पानी का है ना बिजली का है, लोग अपने घरों में बैठेंगे, नव युवक बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि आगे बढ़ाने के लिए तो हमें काम दिया जाता है ना, जितना प्रेशर रहेगा, जितना युवक लोग आगे बढ़ेंगे उतना देश उन्नति पे रहेगा, ये हमारा नव युवक का हाथ पैर वगैरह सब, कि आप एक जगह बैठे रहो जो, और इतनी गंदगी केजरीवाल ने दिल्ली में मचा रखी है, शराब से लेके कूड़ा करकट हर एक चीज़ को लेके केजरीवाल ने इतनी गंदगी मचा रखी है कि बस क्या बताऊँ। पंजाब का क्या हाल हो रहा है वो देखो ना, अभी अभी कितनी गुंडागर्दी हो रही है, नंगी कृपाने लेके लोग ऐसे चल रहे हैं, वहाँ से सीख ले ले कुछ, ये लोग वहाँ से भी कुछ नहीं सीख रहे, बस भगवंत मान की पगड़ी की वजह से इनको वोट मिल गए, ये जीत गए हैं, वरना कोई भी सरदार इनको वोट नहीं देता, वो सिर्फ। मैम, सबसे बड़ी बात मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, लोग जो कहते हैं कि फ्री बिजली फ्री पानी, फ्री बिजली फ्री पानी हम कितने दिन खा लेंगे, हमारे देश को तो खोखला कर रखा है दारू के चक्कर में, जो मेन हमारा आदमी है घर का कमाने वाला, अगर वो दारू पिएगा तो फ्री 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 पानी हम क्या कर लेंगे, मेन तो हमारी कमाई शराब में जा रही है ना, हमें शराब नहीं चाहिए फ्री, हमें फ्री 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 पानी कहीं नहीं चाहिए, बस हम। सर, शराब घोटाले में 25 करोड़ रुपए जो है वो वकीलों को दिए जा रहे हैं, वो शराब घोटाला जिसमें कहा जाता है कि राजनीति की जा रही है, शराब घोटाले के नाम पर आम आदमी पार्टी को फंसाने का प्रयास किया। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये 25 करोड़ रुपए इतने बड़े वकील को आम आदमी पार्टी दे रही है तो क्यों दे रही है, कुछ ना कुछ तो है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? अगर वो कहते हैं कि हमने कोई घोटाला नहीं करा तो 25 करोड़ रुपए का इतना बड़ा वकील क्यों करा भाई, 25 करोड़ रुपए का वकील तो तब कराया जाता है ना कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात है, कि जितना बड़ा वकील होगा, जितनी बड़ी उसकी फीस होगी, उतने हमारे बचने के चांसेस हो जाएंगे। 6.5 करोड़ से फिर बढ़ा के 25 करोड़ रुपए दिए गए, ये तो आप खुद ही बता रहे हैं कि पहले 6 करोड़ रुपए तय हुए थे, उसके बाद 25 करोड़ रुपए तय हो गए, हो सकता है ये ज़्यादा भी हो जाए, क्योंकि बचाना है और बचना है नहीं भाई, घोटाला तो हुआ है, घोटाला हुआ है, इसलिए तो वकील बदले जा रहे हैं, फीस बढ़ाई जा रही है, जितनी बड़ी फीस होगी, जितना बड़ा वकील होगा, उतने ज़्यादा बचने के चांसेस होंगे। अगर जिसको ये लगता है कि मैं गुनाहगार नहीं हूँ तो वो वकील क्यों करेगा, बड़ा वकील क्यों करेगा, बेगुनाह तो बड़ा वकील नहीं करेगा ना, फड़फड़ाएगा कि मैंने पहले 6 का कराया, मैं 25 का कर लूँ, हो सकता है कोई इससे बढ़िया वकील आ जाए तो वो उससे बढ़िया वकील भी कर लेंगे, घोटाला तो हुआ है, घोटाला हुआ है। जनता की गाड़ी का कमाई जो है वो इस तरीके से लगाई जा रही है, दूसरी तरफ कहा जाता है मनीष सिसोदिया को फंसाने की प्लानिंग बीजेपी। देखिए, जनता की गाड़ी कमाई तो जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है, बताइए वो जो जनता की गाड़ी कमाई दिल्ली के विकास के लिए जमा होती थी, वो गाड़ी कमाई इससे पहले भी तो जमा होती थी, कांग्रेस के टाइम पे जमा होती थी, कांग्रेस ने उस जनता की गाड़ी कमाई से श्रीमती शीला दीक्षित ने इतने विकास करे दिल्ली के अंदर, हर पार्टी दिल्ली की हर जनता उसको याद करती है, उस काम को याद करती है, उनके जाने के बाद
उनके हटने के बाद विकास के नाम पर आम आदमी पार्टी ने क्या किया, कितने स्कूल बनाए, कितने कॉलेज बनाए और कितने हॉस्पिटल बनाए। हाँ, शराब के ठेके जरूर खोले, शराब के ठेके जरूर खोले हैं और कोई विकास नहीं हुआ। शराब का विकास तो बढ़िया हुआ है और उसी में ही घोटाला हुआ है। वकीलों को पैसे दिए जा रहे हैं 25 करोड़ रुपए, वो भी शराब घोटाले के मामले। मैं सीधा सीधा एक बात कहना चाहती हूँ कि जब से केजरीवाल जी सरकार में आए हैं, किस लिए आए थे? भ्रष्टाचार के खिलाफ। एक नई राजनीति हम करेंगे, लोगों ने बड़ा भरोसा जताया, लेकिन जब से वो आए हैं तब से भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, इसके अलावा कुछ और काम नहीं हुआ है। और अपने किए गए भ्रष्टाचारों को छिपाने के लिए बड़े बड़े पैसे, बड़ी बड़ी रकमें जो वो दे देते हैं इस तरीके से लोगों को, तो क्या नाम ये क्यों? क्योंकि अपनी कमियों को छिपाने के लिए इतना बड़ा पेमेंट दे रहे हैं ना वो, और ये खुला उजागर भी हो रहा है, उसके बावजूद भी वो क्या कहते हैं कि हम तो निर्दोष हैं, हमें फंसाया जा रहा है जी। अरे भाई, अगर गलती नहीं है ना तो आप साफ साफ आप सिरा तान के खड़े हो जाओ ना, वकीलों की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आपने भ्रष्टाचार किया है और इसीलिए आप आए थे, आपने जनता को गुमराह किया है, उसकी सजा बिल्कुल मिल दिए जा रहे हैं। ज्यादातर जो पैसा है वो गया है अभिषेक मनु सिंघवी के पास, जो कि कांग्रेस के नेता हैं और अधिवक्ता भी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी कहती है कि कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन है, ये दोनों मिलकर खेल खेल रही है, वहीं दूसरी तरफ खुद अलायंस कर रहे हैं, खुद समर्थन मांग रहे हैं महापौर बनाने। एक बात बताइए, मुझे समझ नहीं आता कांग्रेस के सरकार में कितने सारे भ्रष्ट काम हुए, कितने सारे। अब आम आदमी आई है तो उसकी जगह उन्होंने ले ली है, और जगह क्या ले ली है, बदलाव क्या आया इन दोनों में? कुछ भी नहीं। वहाँ के लोग इधर आ रहे हैं, इधर के लोग उधर जा रहे हैं, और इनका आपस में एक तालमेल हो जाता है, तू भी खा मैं भी खाऊं, तू भी खा मैं भी खाऊं, मैं तुझे छिपाऊं तू मुझे छिपा, उसके बाद में आरोप किस पे लगा देते हैं? बीजेपी पे। बीजेपी अपनी जगह पे खड़ी है अड़िग, विकास के लिए खड़ी है अड़िग, लेकिन क्या है, ये केवल एक बस दिखा रहे हैं कि हमारा दल अलग है, लेकिन इनकी सोच, इनकी विचारधारा अलग नहीं है। और आम आदमी तो उसे चार कदम आगे बढ़कर इन्होंने भ्रष्टाचार की इन्होंने सीमा लाग दी, तो इसलिए ये दोनों एक है। के लिए गठबंधन की मांग की जा रही है, समर्थन मांगा जा रहा है कांग्रेस से आम आदमी पार्टी। देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, कांग्रेस बीजेपी को तो सपोर्ट करेगी नहीं, ना बीजेपी को कांग्रेस की सपोर्ट की जरूरत है। हाँ, ये जरूर है, पहली बार जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तो उन्होंने कांग्रेस से समर्थन लिया था, उस टाइम भी बीजेपी बिल्कुल न्यूट्रल थी। देखिए, हमारी पार्टी के शीर्ष नेता माननीय आदरणीय पूजनीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लोकसभा में एक वोट के खातिर अपनी सरकार को बिल्कुल नीचे कर दिया था। उन्होंने कहा था, मैं किसी भी कीमत पर कहीं पे भी समझौता नहीं करूंगा, चाहे मेरी सरकार चली जाए, मेरी चाहे सरकार चली जाए। वो चाहते तो एक वोट वो कहीं से भी हासिल कर सकते थे, मगर उन्होंने नहीं करा। वो सिद्धांतों के उसूलों के पक्के आदमी थे। तो यही बात अब बीजेपी की भी है। बीजेपी कहती है कि भाई, आप जो है संविधान के हिसाब से चलो, जो संविधान बना है, जिस संविधान को सब मानते हैं, आप उसके हिसाब से चलो। आप तो संविधान का खुलेआम, आपने, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये कानून, संविधान, ये पार्टी किसी को नहीं मानती, ये तो सिवाय गुंडागर्दी, हल्ला बोल, चोर चोर चिल्लाना, हल्ला मचाना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गाली देना, गृहमंत्री जी को गाली देना, सरकार को गाली देना। अरे भाई, ये भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा पुरानी पार्टी है, बड़ा संगठन है, इसके साथ लोग जुड़ रहे हैं, इसका विस्तार हो रहा है, ये जगह जगह हर स्टेटों में जो है इनकी सरकार बन रही है। आप जो है, आप हमेशा गिरते जा रहे हो। आप तो कह रहे थे हम MCD में एब्सोल्यूट मेजोरिटी लाएंगे, हमारी सरकार बनेगी। अरे भाई, आपकी सरकार अगर बनती, आप अगर मेजोरिटी में आते, दिल्ली की जनता आपको एब्सोल्यूट मेजोरिटी देती, आपकी सरकार बनती तो बनती। जब दिल्ली की सरकार ने, आपकी दिल्ली सरकार पे भरोसा नहीं किया, MCD पे आपने बोले कूड़े के पहाड़, शराब और पता नहीं न जाने क्या क्या आपने ब्लेम लगाए सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर, मगर हमारे प्रधानमंत्री, हमारे दिल्ली के नेता जो भी हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इनकी बातों पे ध्यान नहीं देंगे, हम काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। उन्होंने काम किया। तरीके से देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से फीस दी गई है वकीलों के लिए 25 करोड़ रुपया शराब घोटाले। ये तो आम आदमी पार्टी को खुद ही सोचना चाहिए, अगर वो शरीफ, इतनी अच्छी पार्टी है और ये इतने पैसे उनके पास आए कहाँ से, सबसे बड़ी बात है। देखिए, अगर उन्होंने शराब से कमाए हैं तभी आज वो इतनी फीस दे रहे हैं, वरना एक आम आदमी के पास तो अपने खर्चे निकालने के लिए पैसे नहीं है, वो इतनी मोटी मोटी फीसें दे रहे हैं, तो अपने को आपको बचाने के लिए देने हैं।
और आज सबसे बड़ी चीज़ ये देखिए कि जहाँ से हमारा वार्ड नंबर 200 से हमारा प्रत्याशी भाई यशपाल कैंत्रा आया है, उसने मनीष सिसोदिया के भतीजे को हरा के आया है। मनीष सिसोदिया जब अपने भतीजे विजय सिसोदिया को नहीं बचा पाया तो आप सोचिए उसके क्या रेपुटेशन है। अपनी विधानसभा की चारों के चारों सीट हारा है, मनीष सिसोदिया एक भी सीट नहीं जीत पाया, तो वो इसी का नतीजा तो है। अगर शराब घोटाला नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया, तो पब्लिक देख रही है ना उसे, तो क्यों नहीं जीता पाया वो। विजय सिसोदिया के लिए एक हफ्ते 10 दिन पूरा पड़ा रहा वो वहाँ पे अपने क्षेत्र में, फिर भी नहीं जीता पाया, अपने भतीजे को नहीं जीता पा रहा, जो वो क्या करेगा। आप ये हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण है, हमारा प्रत्याशी जो है यशपाल कैंत्रा जो वार्ड नंबर 200 से है। समिति के लिए कांग्रेस से गठबंधन की मांग की जा रही है, समर्थन मांगा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली में महापौर बनाने के लिए। एक तरफ आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी और कांग्रेस का गठबंधन है, ये दोनों मिलकर सरकार चला रही हैं, वहीं दूसरे समर्थन मांगा जा रहा है कांग्रेस की। मैडम इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल को इतना अपने पार्षदों के ऊपर इतना भरोसा होता तो परसों शपथ करवाने देता। शपथ इसलिए नहीं करवाने दी गई क्योंकि उन्हें अपने पार्षदों के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है, उनके पार्षद सब उनसे बिखरे हुए हैं और वो तो समर्थन मांग रहे हैं। पहले अपने पार्षदों को तो उन्हें समर्थन मिल जाए, अपने पार्षदों को समर्थन नहीं मिल रहा उन्हें, वो तो डरे हुए हैं बिल्कुल कि भाई हमारे पार्षद सब तितर बितर हो रखे हैं, वो परेशान है इस वजह से। वो तो इन्हें ये तो सोचना पड़ेगा, उन्हें अपने पहले अपने पार्षदों को उन्हें वो करना पड़ेगा। देखिए परसों की गुंडागर्दी, ये देखिए ये आम आदमी पार्टी, ये बीजेपी, ये देखिए दिखाई दे रहा है आपको पोस्टरों में कि ये किस तरह की गुंडागर्दी करते हैं, किस तरह की हरकतें करते हैं, सदन के अंदर बाहर अंदर हर जगह गुंडागर्दी, चाहे वो MCD का सदन हो, चाहे दिल्ली विधानसभा हो, झूठ बोलना और कोई काम नहीं है। दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी, उनकी विधानसभा से बीजेपी के तीन काउंसलर जीत के आए और एक उनका जीता होगा, और देखिए अब उनकी हालत क्या होती जा रही है। यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता, उनका लगातार यही कहना है कि गुंडागर्दी जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है।